इंडिया के वाले झंडे की नहीं करते, नहीं करते। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे झंडे की करेंगे? नहीं, ये बेहरमती की है ना कल हमारे झंडे की, कल की है उन्होंने, इंडिया वालों ने, इंडिया में, इंडिया में की थी उन्होंने। आपने कितने टिकटॉक में देखी है, ठीक है, और उसका जवाब दिया है कि दुबई में हमारा पाकिस्तानी भाई है जिसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है ना। मोदी जब तक है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये पाकिस्तान के साथ ना अच्छे जो ना रिश्ते कायम हो। बता दूं, ठीक है बात को खत्म करते हैं, लेकिन आपको बता दूं जो ट्रेड है वो इंडिया की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के जो उस टाइम के, ये चार साल पहले की बात है, जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनकी तरफ से बंद की गई है, इंडिया की तरफ से नहीं बंद की गई। इंडिया का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसकी क्वालिफिकेशन देख लें और हमारे बिलावल की क्वालिफिकेशन आप देख लें। इसकी ज्यादा जयशंकर की, उन्होंने कितनी कितने साल नौकरी की है, उन्होंने कितने साल इसमें स्ट्रगल किया, फिर वो जाके फॉरेन मिनिस्टर लगा है इंडिया का। और हमारा देख लें सिर्फ किस वजह से लगा है कि यह सिर्फ जरदारी का बेटा है। ये पीछे दो जो झंडे नजर आ रहे हैं किस किस के? ये इंडिया का और पाकिस्तान का है। आप दोनों की करते हैं, इज्जत करते हैं या एक की करते हैं? दोनों की करती हूँ। क्या वजह है? हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए? दोस्ती होनी चाहिए, हमारी चीजें उस तरफ जाए, उनकी चीजें हमारी तरफ आए, ठीक है ना। इसमें हमारे मुल्क का भी फायदा है, उनका भी फायदा है, सिर्फ हमारा फायदा नहीं है उनका, बल्कि ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। हमारे मुल्क से ज्यादा चीजें वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं। नहीं, उन अब वो जिस तरीके से तरक्की कर चुके हैं ना, मेरे ख्याल से अब हमें ज्यादा फायदा होगा। सालगिरह पे एक नया तोहफा देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार दे रहे हैं, आम को भी और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। और हमारा क्या हो रहा है आप खुद देख लें, हमारा क्या है, हमारा टोटली डिफरेंट है। क्या 75 रुपए का जो है एक नोट कर दिया है, दूसरा क्या किया है जी, वो नया एक हमने नेशनल एंथम जो है वो नए तरीके से बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं मौजूद हूं वाघा बॉर्डर पर, आपको पीछे शायद नजर आ रहा होगा एक साइड पे पाकिस्तान का तिरंगा और दूसरी साइड पे हिंदुस्तान का तिरंगा। आज मैं पाकिस्तान की आवाम से ये सवाल करने वाला हूँ कि इमरान खान ने कल रात को जो जलसा किया है उसमें इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत तारीफ की है। ये बोला है कि इंडिया एक खुददार मुल्क है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर है। हिंदुस्तान जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो ये हमारे कौन आ गए हैं कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं, कहते हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो दूसरी तरफ हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें करता है। ये पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि एक तरफ हम उनकी तारीफें करते हैं और जब हमारे ऊपर बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये सवाल है जो मैं पाकिस्तान की आवाम के सामने रखूंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। का नाम? उबैदुर रहमान। आपका नाम? खुदा बख्श। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं चावलों का जी। बिजनेस करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं, जबरदस्त। एक टीचर से बात करने लगे हैं, पीछे दो फ्लैग नजर आ रहे हैं आपको, आप दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं या एक ही करते हैं? जी मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या वजह है? बहसियत कौम हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर हम अपनी कौम की इज्जत करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो हमारे पास किसी की हम इज्जत करेंगे तो ही वो हमारी इज्जत करेगा, ऐसे नहीं है यहाँ से गालियाँ जाएं और वहाँ से फूल आएँ। अच्छा, आज जो दूसरा क्वेश्चन मेरा वो ये है कि इमरान खान साहब का कल जलसा था जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी वीडियो चलाई और नाम लेके बोला कि ये इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है इनकी और इंडिया खुददार मुल्क है। एक तरफ हम इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब हमारे साथ उनके तल्लुकात की बारी आती है या इलेक्शन नज़दीक आते हैं तब हम कहते हैं दुनिया में अगर कोई बुरा मुल्क है तो वो है इंडिया। क्या वजह समझते हैं? मैं तो इसको सियासी बयानबाजी समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी लीडरान जब भी ऐसा कोई स्टेप करते हैं तो अपने वोट बनाने के लिए, अपने मफाद के लिए करते हैं, अदरवाइज तो हमें हसीत कौम दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए बजाय जंगों के या इस किस्म के वो कामों में पढ़ने के। अब वो दौर पत्थर का दौर नहीं है कि जिसके अंदर अब डेवलपमेंट और अब इकॉनमी का दौर है, जो इकॉनमी में स्ट्रांग है वही जीतेगा जी। ये भाई कह रहे हैं अपनी अपना वोटिंग के लिए इमरान खान साहब बोल रहे हैं, आप उठा के देख लें इंडिया का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसकी क्वालिफिकेशन देख लें और हमारे बिलावल की क्वालिफिकेशन आप देख लें। इसकी ज्यादा जयशंकर की, उन्होंने कितनी कितने साल नौकरी की है, उन्होंने कितने साल इसमें स्ट्रगल किया, फिर वो जाके फॉरेन मिनिस्टर लगा है इंडिया का। और हमारा देख लें सिर्फ किस वजह से लगा है
कि यह सिर्फ जरदारी का बेटा है, इसलिए उसे उन्हें उठा के, एक दिन भी इसने नौकरी नहीं की है, तो आप उसे उठा, क्या तजर्बा होगा, क्या तजर्बा होगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फॉरेन मिनिस्टर का कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि एक साइड पे हम उनकी तारीफें करते हैं, एक साइड पे हम उनकी बुराइयां करते हैं। ये हमारी दोगली पॉलिसी कह लें, सॉरी अगर गलत अल्फाज यूज कर रहा हूँ, दोगली कह लें या डबल माइंडेड कह लें, हम लोग कंफ्यूज हैं। नहीं, ये तो देखें, आप अगर जो कह रहे हैं ना कि दोगली पॉलिसी, वहाँ पे दूसरा दुश्मन भी हो जो अच्छा कर रहा है, वो उसे कहना चाहिए कि वो अच्छा कर रहा है। उसी उससे पूरी दुनिया, पूरी दुनिया के साथ जो पॉलिसी कर रहे हैं वो अच्छी है, हमारे साथ जो हमारे साथ पॉलिसी उनकी आती है तो वो बुरे हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती नहीं, आपको नहीं लगता? गलती तो हमारी है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में अभी उठा के देख लें, हमारी शाह महमूद कुरैशी और इसकी स्ट्रगल में क्या फ़र्क है। ठीक है, जो सूरत हाल चल रही है इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। अपना कोई अच्छा आदमी उठाकर फॉरेन मिनिस्टर लगाएं, जो जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसने जो पढ़ा लिखा हो, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। आप मुझे बताएं कि एक तरफ हम इंडिया की मुखालफत करते थकते कि इंडिया ने ये कर दिया, कोई पानी में थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाए तो भी इंडिया की कसूर, पानी कम हो तो भी इंडिया का कसूर, मौसम ख़राब हो तो भी इंडिया का कसूर। ठीक है, और दूसरी तरफ जब बात आती है जलसों की तो तब हम कहते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा है। मेरे भाई, मुझे बात ये है ना, पूरी कौम ही एक आदमी जज्बाती कौम है, हम नारों के उसमें बड़ी जल्दी आते हैं, महकावे इमरान हो या नवाज शरीफ या हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की बात कर, इसलिए हम किसी पार्टी तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, जितनी भी कौम है जिन्होंने तरक्की की है, अगर आप जाकर अभी यूरोप की आप मिसाल देख लें, वहाँ पे बॉर्डर पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है, आप चले जाएं ओपन ट्रेड होती है आपस में, तो यहाँ पे हम बॉर्डर पे, हम इस वक्त भी मोस्टली यहाँ पे जंग लड़ने के लिए शायद आए हुए हैं, जज्बात हर किसी के अपने होते हैं, ऐसी है। लेकिन अगर हमारी, आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आपसे बात करने में भी मजा आ रहा है, कि हमारी अवाम में ये एक बुराई कह लें या कुछ इस तरह की गलती कह लें, ये चीज़ नहीं है कि हमें एक मिनट में अभी कोई बहकाएगा तो हम उसके बहकावे में आके ऐसे बस लग पड़ेंगे, कोई खुद देखेंगे कि यार ये बात सच्चाई है या नहीं। बिल्कुल, हम आते हैं, रिसर्च तो हम करते ही नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, जिसका भी हम क्लिप देखते हैं हम कहते हैं ये ठीक है, एक सेकंड या एक मिनट के बाद देख लें तो हमारी राय दूसरी तरफ हो जाती है। तो जब पूरी कौम सोचती नहीं है, रिसर्च नहीं करती है, तो अवेयरनेस की तरफ, अवेयरनेस तो है हर बंदे के पास, मोबाइल है, अब हम उसका इस्तेमाल कितना करते हैं, उसको यूटिलाइज किस सेंस में करते हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, बिल्कुल होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। अगर जहाँ पे हमारे मफाद की बात आती है तो कोई भी कौम कुर्बानी नहीं देती, हम इस वो सेंस में तो ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते ना कि अपना मौकफ छोड़ दें या उससे पीछे हट जाएं, तो ताल्लुकात में बेहतरी डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे मफाद हमारी कौम का है तो वो मफाद तो हर किसी को प्रेफर होता है। अपना मुल्क सबसे पहले और सबसे अजीज होता है। किसी और से बात करते हैं, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बोलेंगे। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मोहम्मद इजाज। क्या करते हैं? मैं रेफ्रिजरेशन का काम करता हूँ। आज इस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है, कल इमरान खान साहब का जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें उन्होंने बकायदा तौर पर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी वीडियो लगाई और तारीफ की कि यार ये देखो बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया एक खुददार मुल्क है। एक तरफ हम तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब हमारे साथ उनके तल्लुकात आते हैं तो हम कहते हैं इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया मतलब जोन साहब वो बहुत प्रोपेगेंडा करता है, क्या वजह समझ? देखिए सर, असल में बात ये है कि जो काम अच्छा कर रहे हैं ना, जो हुकूमतें या जो अपने मुल्क को करती हैं, सपोर्ट करती हैं बेहतरी की तरफ, देखते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने अपनी अवाम के लिए कर रही हैं, अपने मफादात के लिए कर रही हैं। अगर ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये तकरीबन दूसरे के मफादात को प्रमोट करते हैं ना, इधर पाकिस्तान के अवाम की मफादात की खातिर कोई नहीं इधर करता काम। मेरा सवाल ये है कि इंडिया की उन्होंने तारीफ की है, एक तरफ हम तारीफ करते हैं एक तरफ बुराई करते हैं, ये समझ नहीं आ रही, बस ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वजह है। देखिए ये असल में एक ही खिता है, दरमियान में एक लाइन खींची गई है, ये जैसे पीछे गेट नजर आ रहा है, बिल्कुल तो आवाम तो तकरीबन मिली जुली एक तरह की है, लेकिन हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन जब मफादात का जहाँ पे सवाल है वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, तो जहाँ पे कोई काम अच्छा कर रहा है उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए उसको। मुझे ये बताएं, आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर खुले, इंडिया के लोग यहाँ पर आएं, हम यहाँ से वहाँ जाएं, तजारत हो, अच्छे तल्लुकात हो, अच्छा माहौल क्रिएट हो? बिल्कुल जी, जहाँ पे तजारत का है कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान ना पहुँचे तो तजारत करनी चाहिए, ट्रेड बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि खित्ते के लिहाज से बेहतरी के लिए करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये कोई इशू नहीं है कि ये बंद कर दी जाए और
बिल्कुल काम ठप कर दिया जाए, कर दिया जाए। मुझे लास्ट में ये बता दें, पीछे दो तिरंगे दो झंडे नजर आ रहे हैं, फ्लैग एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं या एक ही करते हैं? नहीं, मैं तो अपने पाकिस्तान के झंडे की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरे की करते हैं रिस्पेक्ट? नहीं, दूसरे की नहीं, रिस्पेक्ट करते ही बिल्कुल नहीं करते। अगर हम उनके झंडे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे की नहीं करेंगे? वो ऐसा है कि हमें तकरीबन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, ये पाकिस्तान को जो वजूद में आया ना, कभी भी कबूल नहीं किया, आज तक नहीं कबूल किया उन्होंने, ठीक है ना। वो हमें तकरीबन ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में ताक में रहते हैं। तो बड़ी दफा कोशिश भी की है, समझौता एक्सप्रेस भी चली, इसके अलावा और एक ट्रेन भी चली, इसके अलावा बॉर्डर भी खुले, लेकिन मामला दोनों तरफ से ऐसे। लेकिन उधर मोदी है ना, मोदी जब तक है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये पाकिस्तान के साथ ना अच्छे जो ना रिश्ते कायम हो। बता दूं, ठीक है बात को खत्म करते हैं, लेकिन आपको बता दूं जो ट्रेड है वो इंडिया की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के जो उस टाइम के, ये चार साल पहले की बात है, जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनकी तरफ से बंद की गई है, इंडिया की तरफ से नहीं बंद की गई। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके थैंक यू। सर आप बात करेंगे? मेरा जो टॉपिक है वो ये है, कल इमरान खान साहब का जलसा शायद आपने देखा हो या सुना, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर चलाई, उनकी तारीफ की कि बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है इनकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया खुददार मुल्क है। एक तरफ हम तारीफ करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं इंडिया जो है वो प्रोपोगंडा करता है, इंडिया जो है हमारा दुश्मन है। समझ नहीं आई, थोड़ा सा समझाएं। देखें जी, उसमें जो अच्छी पॉलिसीज हैं वो उन्हीं का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने कोई बैड पॉलिसीज का जिक्र नहीं किया। तो अच्छी पॉलिसी आपको कहीं से भी मिले आपको अवेल करनी चाहिए, ठीक है। बात किया कि चाहे वो कोई भी हो, हमारा मुखालिफ हो, जो भी हो, जो अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल हमारा कोई दुश्मन है, हमारा मुखालिफ है, लेकिन अगर उसे अच्छी बात सीखने को आपको मिलती है तो वो आप जरूर उस पर अमल करें, जो उसकी बुरी बात है उससे आप बात रहे। पूरी दुनिया के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि भाई इंडिया की जो सी अपनी पॉलिसी है, इंडिया उधर स्टैंड करता है। जब हमारे साथ बारी बात आती है तब हम जो उनसे कहते हैं इंडिया गलत करता है, क्या क्या उसकी रीजन बताएं, यानी हमारे साथ ही बस वो पॉलिसी गलत रखता है, क्या वजह? वो चूंकि एक मुतसब है मामला उनके, वो अब से नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से उनके साथ हमारे मामला इस टाइप के चल रहे हैं। हम भी तो इधर से कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता एक हाथ से ताली बजे। देखें, अगर कहीं से कोई मुहालफत होती है तो आप फिर उसके एवज करते हैं ना मुहालफत, अगर कोई आपके साथ बुरा नहीं करता आप क्यों उसके साथ बुरा करेंगे, ठीक है। सवाल वो भी कर सकते हैं इंडिया वाले भी, लेकिन अच्छा लगा। पीछे दो झंडे हैं, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, मैं आवाम से ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप दोनों झंडों की रिस्पेक्ट करते हैं या एक ही करते हैं? नहीं बिल्कुल जी, अब हमारी भी आज़ादी है, कल उनका आज़ादी का दिन है, तो रिस्पेक्ट तो दोनों की बनती है करनी, लेकिन चूंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है हम अपने आज़ादी के दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये तो एक खुददार कौम की निशानी है कि वो अपने सेलिब्रेट करे आज़ादी के दिन को, लेकिन जब हम किसी के झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, गिव रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। क्या करते हैं? मैं टेलर का काम करता हूं। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो ये है कि पीछे आपको दो झंडे नजर आ रहे हैं, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं? रिस्पेक्ट दोनों की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ना, पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है, ठीक है ना, लेकिन हम साया मुल्क है, ठीक है ना, हम उनकी इज्जत करें, वो हमारी इज्जत करेंगे तो हम उनकी भी इज्जत करेंगे, अगरचे वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत अच्छी बात, हमारे अंदर ऐसा जज्बा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, ठीक है, हम कभी डरे नहीं, डरपोक वही है जो गैर मुस्लिम है, डरपोक वही है। मुसलमान के अंदर जो जज्बा होता है ना, जज्बा ईमानी यही कहता है कि हम घबराने वाले, डरने वाले और बुजदिल नहीं है, और डट के खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। कल इमरान खान साहब का जलसा हुआ जिसमें खान साहब ने ये बोला कि इंडिया जो उनसे बहुत खुददार मुल्क है, आपने शायद सुना, और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीरे जो खारजे हैं, उनकी प्रॉपर वीडियो चलाई है उन्होंने, ठीक है। एक तरफ हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब हमारे साथ उनके तल्लुक आते हैं तो हम कहते हैं वो बहुत बुरे हैं। समझ नहीं आई बात की? हाँ, समझ आनी भी नहीं चाहिए, तो समझाएं। यही पाकिस्तान, जब तक हमारे मुल्क में अदलिया के निज़ाम सही नहीं होगा, गवर्नेंस सही नहीं होगी, तो इस तरह ही काम चलेगा, जिसकी हुकूमत आएगी वही अपना खा पी के चला जाएगा। इमरान खान एक खुददार इंसान आया है, वो कहता इमरान खान की बात कर रहा हूँ ना, कि वो इंडिया की तारीफ भी करते हैं और जब अपने पे बात आती है तो कहते हैं इंडिया गलत है। उनको थोड़ा सा चलने तो दें, उनको थोड़ा सा टाइम तो दें, देखें वो करते क्या हैं, पाकिस्तान की खातिर वो करते क्या हैं। आप उन साल बाद उनको उतार दें तो दो चार साल में अपना घर बंदा सही नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान को ऐसा बनाएगा, ऐसा हीरा बनाएगा, और पाकिस्तान है भी ऐसा हीरा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क मैंने नहीं देखा। आप कोई बात करेंगे?
इस हवाले से। ठीक है, आप में से कोई बात करना चाहेगा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पीछे दो जो झंडे नजर आ रहे हैं किस किस के? ये इंडिया का और पाकिस्तान का है। आप दोनों की करते हैं, इज्जत करते हैं या एक की करते हैं? दोनों की करती हूँ। क्या वजह है? हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान की करनी चाहिए, हम पाकिस्तान से लाभ करते हैं। लेकिन उनकी भी रिस्पेक्ट उनको भी देनी चाहिए। हाँ देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि दोस्ती करनी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है। मुझे आप लास्ट में बस ये बता दें कि आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर खुले, ये गेट खुले, हम वहाँ जाएँ, वो यहाँ आएँ और ताल्लुकात बेहतर हों? बिल्कुल खुलना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, हमारी चीज़ें उस तरफ जाएँ, उनकी चीज़ें हमारी तरफ आएँ, ठीक है ना। इसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है, सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है, उनका बल्कि ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना। हमारे मुल्क से ज़्यादा चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं। नहीं, उन अब वो जिस तरीके से तरक्की कर चुके हैं ना, मेरे ख्याल से अब हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, कल उनकी आज़ादी का दिन है, आप उन्हें मुबारकबाद पेश देंगे करेंगे? हम उनको बिल्कुल देंगे और देनी भी चाहिए, ठीक है ना। उनका अपना मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमारा दर्ज किया है। लेकिन ये देखें, हाँ, प्यार प्यार मोहब्बत और हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुक, हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ये होना ज़रूरी है, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी इंशाल्लाह डट के खड़ा है, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, जब खान साहब अपनी हुकूमत में भी थे ना, तो उस वक्त भी यही कहते थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमसे बेहतर है, इंडिया की जो हुकूमत है वो हमसे बेहतर है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि देखें वहाँ पे आज अभी भी देख लें आप कि इंडिया, इमरान खान साहब अगर हुकूमत में थे ये कहते थे हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमारे से बेहतर है, तो फिर इमरान खान साहब को हमारी जो अपनी हुकूमत में थे फॉरेन पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत थी? बेहतर करी है उन्होंने, अभी भी बेहतर किया, उन्होंने रात को भी दिखाया बेहतर किया, उन्होंने तो कहा हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इंडिया के साथ, ताल्लुकात ही खत्म, ताल्लुकात उन्होंने किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं, इंडिया के साथ खत्म नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि तल्लुकात अगर आप खत्म करेंगे तो कोई भी मुल्क बिना किसी और मुल्क से आप तल्लुकात खत्म करके चल ही नहीं सकते। आप किसी पूरी दुनिया में जब आपको कहीं पे भी रहना है पूरी दुनिया में, अगर आपका खास तौर पे जब हमसाया साहब, जी हमसाया, आप अभी भी देख लें कि अगर आप इंडिया अपनी 75वीं सालगिरह पे उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार जो है ना ईजाद की, और पाकिस्तानियों ने क्या 75 रुपए का नोट ईजाद कर दी, कितना नेशनल एंथम न्यू नेदर आने पे जो है ना वो गाना सिखा दिया, तो क्या सिर्फ यही इस बात की तरफ भी जो है ना वो खान साहब भी मोटिवेट कर रहे थे कि देखें जो वहाँ की आवाम है या डेवलपमेंट है वो देखें, अपनी 75वीं सालगिरह पे एक नया तोहफा देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार दे रहे हैं, आम को भी और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, और हमारा क्या हो रहा है आप खुद देख लें, हमारा क्या है, हमारा टोटली डिफरेंट है, क्या 75 रुपए का जो है एक नोट कर दिया है, दूसरा क्या किया है जी वो नया एक हमने नेशनल एंथम जो है वो नए तरीके से बना दिया है, बाकी सब कुछ इजाजत। अब इसके अलावा अगर आप यही देख लें, आप दूसरे ममालिक को तो छोड़े, अपनी आप देख लें, ये खुद ही देख लें, ये नवाज शरीफ लोग अब तक जो है जरदारी लोगों को गालियाँ नहीं देते, अब सबके सामने इकट्ठे हो गए, खैर फिर भी वो हमारे लीडर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये वीडियो जाती है, इंडिया में भी लोग देखते हैं, तो हम, मैं नहीं चाहता किसी लीडर के बारे में। अच्छा इन भाई ने जो बात की है कि जो तारीफ करने वाली है वो हम करते हैं, जैसे अब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार की बात की कि वो लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। अब ये पाकिस्तानी है, इंडिया की तारीफ कर रहा है, तो क्या मतलब ये पाकिस्तान से नफरत करता है? नहीं, ये सिर्फ दिखाना चाहता है कि उनसे सीखो, जो भी कभी किसी की गवर्नमेंट जाती है तो भी हम इंडिया का नाम लगा देते हैं, एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जाने में पीछे इंडिया का आता, कल उनकी तारीफें कर रहे थे, उनकी प्रॉपर फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो चला के कह रहे थे कि इंडिया बहुत खुददार है, क्या मतलब है? मतलब जब हुकूमत में हो तो इंडिया गलत, जब हुकूमत से हट जाए तो इंडिया अच्छा? देखें जो पहले आपने बात की ना रिस्पेक्ट की, कि दोनों फ्लैग्स की रिस्पेक्ट, हाँ, ये तो यानी कि हर कौम पे को ऊपर वाजिब है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात हुकूमत आने की हुकूमत जाने की, इस पे जो डिपेंड करता है ना कोई दूसरी कंट्री, मेरा नहीं ख्याल के जो है ना वो डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल जो हमारी आपने देखा है जो सूरत हाल पिछले दिनों भी चली है टीवी पे, लोग अब समझ चुके हैं खामियां हमारे अपने अंदर, अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि पहले होता था कि लोग जो है ना इस चीज़ को नहीं समझते थे, अब लोग जो है ना प्रॉपर तरह जिस तरह यूट्यूब चैनल्स है, सोशल मीडिया है, इसको देखते हैं, बिल्कुल अब वो समझ चुके हैं कि ये जो है ना सारी जो है ना, अब आपको पता है बस की गेम है, बस इल्ज़ाम लगाना है, वो किसी पे भी लगा दो, मैं आप पे लगा दूँ, आप मेरे पे लगा दें, ठीक है। मुझे ये बताएं एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं? देखें सबके साथ, जैसे अगर आप हमारे कोई हमसाए हैं तो हम उनसे तो नहीं ना चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात, लेकिन अगर वो कोई गड़बड़ करें तो फिर हमें भी, अगर हम करें
तो हम करें तो ये गलत बात है कि आप हमसाये माँ के जाए, मतलब आपको अपने हमसाया उसकी रिस्पेक्ट भी करनी, लेकिन अगर हम गड़बड़ करें तो ये भी सही नहीं, लेकिन अगर वो करें तो फिर भी ठीक नहीं है दोनों को। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ज्यादातर पाकिस्तानियों की सोच यही है कि हमारे तल्लुकात इंडिया से बेहतर होने चाहिए, लेकिन दोनों साइड से मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनका कारोबार ही शायद चलता है मुनाफकत पे, जिनका कारोबार ही शायद चलता है लड़ाई पे और दुश्मनी पे। बहुत शुक्रिया जी, आप बात करेंगे, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहान। थोड़ा ऊंची बोलें। रेहान। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूं। स्टडी करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो ये है, पीछे जो दो झंडे लगे हैं, फ्लैग्स लगे हैं, किस किस के हैं? एक इंडिया और एक पाकिस्तान। दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं या सिर्फ एक ही करते हैं? दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? पाकिस्तान और इंडिया दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपसे मैं बात, आप बोलेंगे कुछ? अच्छा, ये जो पीछे दो झंडे लगे हैं दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं जी, हम पाकिस्तान की करते हैं। इंडिया के वाले झंडे की नहीं करते? नहीं करते। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे झंडे की करेंगे? नहीं, ये उन्होंने बेहरमती की है ना कल हमारे झंडे की। कल की है उन्होंने, इंडिया वालों ने। इधर इंडिया में? अच्छा? इंडिया में की थी उन्होंने। आपने की? टिकटॉक में देखी है, ठीक है। और उसका जवाब दिया है कि दुबई में हमारा पाकिस्तानी भाई है जिसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। देखें, ये ना कुछ लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं दोनों साइड पे जो नफरतें फैलाते हैं। आप पर्सनली, यानी आपसे अकेले से पूछा जाए कि अगर उधर से अच्छे चीजें आए, अच्छे पैगाम आए, तो हम इधर से अच्छे पैगाम भेजें? हाँ, इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे वो हमारा बानी है, हमारा पाक झंडा है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखे ना, अब आज हम यहाँ पे खड़े हैं, दोनों झंडे देख रहे हैं, ठीक है। हम खुशी के देखने आए, खुशी के साथ देखने आए हैं। आज 14 अगस्त है, हमारा आजादी का दिन है, ठीक है। हम जो कायदे आजम के रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी जो है वो उन्होंने हमारी आजादी दिलवाई है, आज हम आजाद हैं और सभी नारा बोलते हैं पाकिस्तान। ठीक है, आपसे बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि कल इमरान खान साहब का जलसा था जिसमें इमरान खान साहब ने बोला इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत अच्छी है, इंडिया का जो वजीर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ हम इंडिया की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ जब इलेक्शन आते हैं या जब कुछ इस तरह का होता है तो हम कहते हैं इंडिया बहुत बुरा है, इंडिया हमारा दुश्मन है। क्या वजह समझते हैं, एक तरफ तारीफ एक तरफ ऐसे? ये सारे एक ही थाली में खाते हैं, एक ही वॉशरूम में जाते हैं, ठीक है, सारे मिले, सब मिली भगत है, ठीक है। आप बोलेंगे कुछ? जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान की आवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे हमें जरूरत है कि हम मोहब्बतें बांटें। पीछे आपको नजर आ रहा है जो इंडिया का झंडा है, साथ ही इंडिया का इलाका है, तो हम यहाँ से ऐसे पैगाम भेजें, ऐसे मोहब्बत भरे पैगाम भेजें कि कल को वो भी हमारे लिए मोहब्बत भरे पैगाम भेजें। रही बात अगर रिस्पेक्ट करने की, हम उनके झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमारे झंडे की रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।